तो भाई जैसे कि मैं गया था लद्दाख, वहाँ पे रहा लगभग मैं 1 महीना। सोचा था कि वीडियोस वगैरह बनाएंगे, बट भाई साहब वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन था कि -20 भी गया। तो वीडियोस तो छोड़ो, सर्वाइवल सर्वाइवल खेल रहे थे। तो अभी जाएंगे लद्दाख, वापस से जाएंगे। तो 1 महीना रहने के बाद आ गया मैं वापस उधमपुर। अभी जाएंगे वापस, लेकिन अभी टाइम है तो उधमपुर में आए। उधमपुर में गर्मी, तो सोचा कि थोड़े दिन चलते हैं ठंडे मौसम की तरफ, चलते हैं अपने गाँव। तो आ गया मैं अपने गाँव, गाँव का नाम है सुदमादेव, जो कि पता ही है। लिंक में वीडियोज़ हैं, मैंने पूरा गांव दिखाया हुआ है, जाके देखना जरूर। तो गांव में आए हैं, कुछ दिन रहेंगे यहाँ पे, मौसम का लेंगे मजा और बनाएंगे साथ में वीडियोस। तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट, बट उससे पहले हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं द मैग्नेटिक स्टूडियो और देख रहे हैं मेरा न्यू ब्लॉग। सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई बाकी मेंबर से आपको क्या मिलाना, मैं मिलाता हूँ इससे। ये हमारा बेटा, बेटा हेलो बोलो, नहीं बोलेगा हमारा बेटा ना, अब टांगे भी हिलाता है जोर जोर से। ये इसने अभी ना, अब रोना नहीं, इसने बहुत टांगे हिलाना शुरू कर दिए, बड़ा बड्डा हो। लेकिन भाई मैं यहाँ पे हो रहा हूँ बोर, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं। एक्चुअली अंकुश वगैरह भी स्कूल गए हुए हैं, तो वो 1 बजे के बाद आएंगे। उसके बाद देखते हैं कहीं पे जाते हैं, चक्कर वगैरह लगाते हैं। पहला हो रहा हूँ पागल, और ये बन रहा है एक घर। ये पता किसका बन रहा है? ये मेरे चाचू का। चाचू हेलो बोलो, हेलो बोलो। हाँ, तो ये मेरे चाचू का बन रहा है घर। घर अंदर से बहुत बड़ा है, लेकिन चाचू को एक चीज़ की कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे चाचू ने न्यू बुलेट लिया। चाचा वर्क है तो नहीं, कब लिया बुलेट, कितनी देर हुई? हो गए 3 महीने। हाँ, तो जब से इन्होंने बुलेट लिया उसके बाद मैं अभी सुदमा देव आया हूँ। तो आज हम जाएंगे शाम को गेड़ी लगाएंगे, अंकुश का वेट हो रहा है, वो स्कूल से आता है। उसके बाद हम जाएंगे, बुलेट भी चलाएंगे। तो अभी देखते हैं इनका घर, उसके बाद वेला। यार पागल हो रहा हूँ, करूँ क्या यहाँ पे। तो अभी घर वगैरह देख रहा। ये बनाई है इन्होंने इतनी बड़ी लॉबी घर की, और ये बनाए हैं रूम 1 2। चाचा कितने कमरे टोटल, कितने कमरे टोटल? कमरे 3 है। 3 कमरे हैं। ये सामने पूजा रूम है, यहाँ पे भी रूम है। अच्छा ये किचन है ना? ये किचन है? नहीं ये किचन थोड़े है यार। हाँ ये तो ये भी रूम है। किचन इन्होंने रखी है ओपन, किचन का रास्ता शायद यहाँ से। ये बनाई है इन्होंने किचन, और यहाँ से पूरी वेंटिलेशन वगैरह है अच्छी, बाहर भी पूरी ग्रीनरी वगैरह, और एक साइड यहाँ से भी आउट रखा हुआ है, इस साइड से भी पूरा व्यू अच्छा है। ये आ गया अंकुश वर्मा, स्कूल खत्म करके इसका हो रहा था वेट। हाँ भाई क्या पढ़ा स्कूल में? क्या पढ़ना है, स्कूल पढ़ने होने दे यार। अच्छा तो भाई इस बंदे की एक्चुअली क्लास है 12th, और इसके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। कौन से मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं? अप्रैल से हो रहे हैं इसके पेपर स्टार्ट। तो फेयरवेल भी होगी तेरी? फेयरवेल परसों ना। हाँ तो इसकी फेयरवेल है परसों, मैं भी जाऊंगा स्कूल में फेयरवेल, इसकी पक्का जाऊंगा। हाँ मैं भी जाऊंगा। तो इसकी फेयरवेल में जाएंगे, वहाँ पे व्लॉग वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो अभी ये यूनिफॉर्म वगैरह करेगा चेंज, फिर खाना वगैरह खाएगा, उसके बाद हम चलेंगे बाजार में। तो भाई ये है मेरे चाचा की न्यू बाइक रॉयल इनफील्ड। तो अभी शाम हो गई है, तो अभी हम जा रहे हैं चक्कर लगाने, देखते हैं कहाँ चलते हैं, बाइक का भी मजा लेते हैं और इन वादियों का लेते हैं मजा। तो चलो जी। किस्मत इतनी खराब है ना, अभी जस्ट सुदमा देव से निकले थे, थोड़ा ही दूर आए थे और बारिश हो गई स्टार्ट। तो अभी हम यहाँ पे रास्ते में एक जगह है, जगह का नाम है चौका नाला, जगह को बोलते हैं। तो वहाँ पे अभी जस्ट रुके हुए हैं, थोड़ी देर चाय वगैरह पियेंगे। ये लगी है अपनी बाइक, तो चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से आगे, देखते हैं मानतलाई जाते हैं या नहीं। निकल के
हम वहां से वापस, हमने चाय पी, पनीर वाले पकौड़े खाए, तो इतने में बारिश भी खत्म हो गई और यहाँ पे रास्ते में आ गए। रास्ते में एक जगह दिखाता हूँ, ये मेरी फेवरेट जगह है, ये रोड है और यहाँ से अंदर आता है रास्ता। ये मेरी फेवरेट, मतलब ये बहुत प्यारी जगह है, यहाँ पे हम नहाते थे। ये जो जगह है ना, यहाँ पे हम नहाते थे, बड़ा खुला पानी होता था, बट अब पानी भी कम हो गया क्योंकि कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम लगा है। तो अब यहाँ पे अंकुश बोल रहा है थोड़ी फोटोग्राफी वगैरह करनी है, उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। चक्कर वगैरह लगा के जब हम घर पे जस्ट पहुंचे तो आगे कौन आया हुआ है, मैं मिलाता हूँ। ये देखो, ये महान हस्तियाँ, ये तो पता ही होंगी। ओ इधर देखना, इनको जस्ट पता चलना चाहिए कि हम सुदमा देव पहुंचे हैं, ये हमसे पहले पहुंच जाते हैं। हनी कब पता चला हम पहुंचे? कल पता चला, आज आपने तैयारी बना दी है। अब ठीक है भाई, भाई अब ये भी पहुंच गया सुषमा देव, क्योंकि दीदी को पता चला होगा कि हम भी आए हुए हैं, तो इनको भी स्कूल में छुट्टियां थी, एग्जाम वगैरह खत्म हो गए इनके, तो अब ठीक है, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा। तो जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है भाई, ठंड ज़्यादा ज़्यादा बढ़ते जा रही है, और ये दिन में पढ़ रहा था, अब इसको काम आया याद, टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, टाइम देना, 9 बजे टाइम हो रहे हैं 9, ठीक है। और हम दोनों जा रहे हैं कहाँ पे, हमको काम मिला है, ये है खाना इसके हाथ में, ठीक है। हम दोनों जा रहे हैं, एक्चुअली जो मेरे चाचू हैं, इसके पापा, वो पुलिस में, ठीक है, तो उनकी ड्यूटी है, तो हम जा रहे हैं उनको खाना पहुँचाने। लेकिन खाना पहुँचाने का कोई टाइम होता है, इनके राजमा नहीं उबल रहे थे, अब इनके राजमा उबले आखिर, मतलब लास्ट में जाके, तो हम जा रहे हैं खाना उनको पहुँचाने, उनकी ड्यूटी होती है मंदिर में, तो आप देखते रहो। ये देखो भाई, घोर अंधेरा, कोई नहीं यहाँ पे, कुत्ता भी नहीं, एक कुत्ता दिखा रास्ते में, और चाचू की ड्यूटी है मंदिर। तो भाई ये देखो, हमारे देश के जाबाज सिपाही दे रहे हैं ड्यूटी। चाचा बाय बाय, चाचा बाय। तो चाचा दे रहे हैं, तो हम चलते हैं अब भाई अपना काम खत्म करके घर पे, और व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी, टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून।